नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 अप्रैल दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी करेगा डिवीजनल फायर ऑफिसर के कई पदों पर भर्ती। राजधानी पटना में क्राइम कंट्रोल करने को लेकर सरकार ने लिया फैसला। 2024 के बाद बिहार के हर खेत को सिंचाई के लिए मिलेगा पानी। राज्य के 576 विद्यालयों पर आधारभूत संरचना में खर्च होंगे इतने करोड़। बिहार को मिला भवन निर्माण के क्षेत्र में विश्वकर्मा पुरस्कार। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी करेगा डिवीजनल फायर ऑफिसर के कई पदों पर भर्ती। अगर आपकी भी इच्छा है कि आप बिहार अग्निशमन में अपनी सेवा दें तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल बीपीएससी की ओर से अग्निशमन सेवा के अंतर्गत प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी के 21 पदों पर बहाली की जाने वाली है। बता दें कि इसके लिए आवेदन की शुरुआत 2 मई से होने वाली है, जो कि 31 मई तक चलेगी। वहीं अगर इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार के पास विज्ञान स्नातक, अग्नि अभियंत्रण में स्नातक या यांत्रिकी, ऑटोमोबाइल अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री रखने वाले और अग्निशमन क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। मालूम हो कि इसमें आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र सीमा 40 वर्ष से 55 वर्ष तक होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राज्य के 576 विद्यालयों पर आधारभूत संरचना पर खर्च होंगे इतने करोड़। राज्य में 11वीं और 12वीं के बच्चों की पढ़ाई को सुदृढ़ किया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा राज्य के 576 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना को और भी मजबूत बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की योजना स्वीकृत कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों उच्च वर्गों में पढ़ाई के लिए अलग से कमरे बनेंगे, जिसके लिए सरकार की ओर से 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। वहीं अगर इस कार्य के लिए और भी राशि की जरूरत पड़ती है तो ऐसे हालात में और भी राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। मालूम हो कि सरकार का यह लक्ष्य है कि हर हाल में इस साल ये भवन अपग्रेड हो जाए, ताकि यहाँ इसी सत्र से पढ़ाई की शुरुआत की जा सके। बता दें कि इसके लिए जिला के अधिकारियों को भी अलग से निर्देशित किया गया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे महर्षि मेही के बारे में। महर्षि मेही परमहंस का जन्म आज ही के दिन 1885 में हुआ था। यह एक संत है जिन्हें नेपाल, भारत और अन्य विदेशी देशों में भी लोगों द्वारा व्यापक रूप से पूजा जाता है। उन्हें आमतौर पर गुरु महाराज के नाम से जाना जाता है। वे अखिल भारतीय संत मत सत्संग के गुरु थे। उन्होंने वेदों, मुख्य उपनिषदों, भगवद्गीता, बाइबल, बौद्ध धर्म के विविध सूत्रों, कुरान का अध्ययन किया, संत साहित्य, और इससे यह आकलन किया कि इन सभी में निहित आवश्यक शिक्षा एक ही है। उन्होंने मोक्ष पाने का एक और सबसे आसान तरीका बताया, फिर सत्संग और ध्यान है। मेही मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के बाबा देवी साहब के प्रत्यक्ष शिष्या थे। उन्होंने 1909 में अकेले कम उम्र से और फिर बाबा देवी साहब के साथ अध्ययन किया। अपने शिक्षक के निर्देशानुसार मेही ने कई साल कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित एक आश्रम में गहन ध्यान में बिताए। राजधानी पटना में क्राइम कंट्रोल करने को लेकर सरकार ने लिया फैसला। बिहार की राजधानी पटना में क्राइम को कंट्रोल किया जा सके और पुलिस के कामों को पारदर्शिता लाया जा सके, इसके लिए डीजीपी आरएस भट्टी के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि इस फैसले के तहत अब राजधानी पटना के सभी थानों में 2-2 थानाध्यक्ष की तैनाती की जाएगी। मालूम हो कि इसको लेकर पटना एसएसपी की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं राजधानी के सभी थानों में जिस दौरान थानाध्यक्ष मौजूद नहीं होंगे, उस समय उनकी गैर मौजूदगी में सभी जिम्मेदारी का निर्वहन थानों में तैनात एडिशनल एसएचओ के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही अगर थाना में कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर आता है तो थानाध्यक्ष अनिवार्य रूप से आवेदन की रिसीविंग उपलब्ध करवाएंगे, और अगर आवेदक केस दर्ज करवाता है तो उसे निशुल्क एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं अगर किसी थानाध्यक्ष को लगता है कि तत्काल केस दर्ज नहीं किया जा सकता है तो उस बात की जानकारी थानाध्यक्ष के द्वारा आवेदक को दी जाएगी। 5 मई को बोध गया पहुंचेंगे राज्यपाल। बिहार के गया स्थित बोध गया में 5 मई को होने वाले भगवान महात्मा बुद्ध की जयंती समारोह में भाग लेने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी पहुंचने वाले हैं। वह इस जयंती में शामिल होने के लिए बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर भी पहली बार बोध गया जाने वाले हैं और एक पत्रिका लोकार्पण करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार बुद्ध जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए बोधगया में विशेष तैयारी की जा रही है। मालूम हो कि इस तैयारी के तहत बोधगया मंदिर प्रबंध कारिणी समिति के देखरेख में पूरे बोधगया को पंचशील झंडा से सजाया जा रहा है, और साथ ही महाबोधि परिसर को वियतनाम से लाए गए रंगीन बल्ब से सजाया जा रहा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्य कार्यक्रम बोधि वृक्ष के नीचे आयोजित की जाएगी। वहीं 5 मई को सुबह 6:30 बजे 80 फीट बुद्ध मूर्ति से मंदिर तक बोध गया के विभिन्न स्कूलों के बच्चे और बौद्ध मत के लोगों के साथ एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 2024 के बाद बिहार के हर खेत को सिंचाई के लिए मिलेगा पानी। वर्ष 2024 के बाद बिहार के हर खेत को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाएगा। दरअसल जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार में 7 निश्चय भाग 2 की महत्वपूर्ण योजना हर खेत को सिंचाई के तहत 439 परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसे पूरा होने की संभावना मार्च 2024 तक बताया जा रहा है। बता दें कि इन 439 परियोजनाओं में बड़ी और मध्यम दोनों तरह की परियोजना शामिल है, जो कि खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए तैयार की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल 397 करोड़ की लागत से जल संसाधन विभाग को राज्य के बड़ी करीब 661 सिंचाई योजनाओं को बेहतर बनाकर उनसे खेती के लिए पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मालूम हो कि इन 661 परियोजनाओं में से 424 योजनाओं पर काम करने के लिए विभाग के तरफ से प्रशासनिक मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से करीब 222 योजनाओं पर काम पूरा हो चुका है। ऐसे में 661 में से करीब 439 योजनाओं पर काम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपी, बिहार, गुजरात, असम के यात्रियों को रेलवे दे रही सौगात। गर्मी की छुट्टी आने वाली है, ऐसे में कई परिवार अपने बच्चों के साथ गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए देश के कई हिस्सों में जाते हैं। ऐसे में यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे की ओर से समर स्पेशल ट्रेनों के नाम से सौगात दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा यूपी, बिहार, गुजरात, असम समेत कई राज्य के यात्रियों के लिए इस स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। मालूम हो कि जिन ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है उनमें गाड़ी संख्या 07230 गुटुंग गुटुर बनारस स्पेशल ट्रेन 22 अप्रैल से 6 मई 2023 के बीच 3 ट्रिप, गाड़ी संख्या 07229 बनारस गुटुंग गुटुर स्पेशल ट्रेन 24 अप्रैल से 8 मई 2023 के बीच 3 ट्रिप, गाड़ी संख्या 07007 सिकंदराबाद रक्सौल स्पेशल ट्रेन 23 अप्रैल से 7 मई 2023 के बीच 3 ट्रिप, गाड़ी संख्या 07008 रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन 25 अप्रैल से 9 मई, गाड़ी संख्या 07419 तिरुपति दानापुर स्पेशल ट्रेन 22 अप्रैल से 6 मई 2023 के बीच 07420 गाड़ी संख्या 07420 दानापुर तिरुपति स्पेशल ट्रेन 24 अप्रैल से 8 मई समेत कई और ट्रेनें शामिल हैं। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे बौद्ध स्तूप के बारे में। बौद्ध स्तूप पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह स्तूप पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया नंदनगढ़ नगर में स्थित है। यह स्तूप खंडित अवस्था में यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। उत्खनन के बाद यहां पर किले के अवशेष एवं बहुत सारे मिट्टी के बने हुए स्तूप देखने के लिए मिले हैं। यहां पर नंदनवन राजा का किला हुआ करता था। यहां पर एक बहुत बड़ा किला है जो अब धरती में समा गया है। यहां पर आपको एक विशाल टीला देखने के लिए मिलता है जिसका उत्खनन किया गया, जिस पर आप चढ़कर पूरे लौरिया नंदनवन का दृश्य देख सकते हैं। इस स्तूप की खोज सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 में की थी। यहाँ पर आपको किले एवं स्तूप के भग्नावशेष देखने के लिए मिलते हैं। यह जगह बहुत ही अच्छी तरह से संरक्षित करके रखी गई है। यहाँ पर सुंदर गार्डन बना हुआ है जहाँ पर आप घूम सकते हैं और स्तूप के भग्नावशेष को देख सकते हैं। यह पश्चिमी चंपारण में घूमने लायक एक मुख्य जगह है। खुले में मांस मछली बेचने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा पटना एवं राज्य के अन्य क्षेत्रों में खुले आम नियमों का उल्लंघन कर मांस मछली बेचने पर पाबंदी लगाने के मामले को लेकर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए पटना नगर निगम को पुनः समय दिया गया है और साथ ही यह भी कहा गया है कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा गर्मी के अवकाश के बाद की जाएगी। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा इस मामले को लेकर विस्तृत जानकारी देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया था। वहीं पटना नगर निगम के द्वारा कोर्ट को बताया गया था कि आधुनिक बूचड़खाने के निर्माण और विकास के लिए स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है और निविदा की कार्रवाई की जा रही है। बिहार को मिला भवन निर्माण के क्षेत्र में विश्वकर्मा पुरस्कार। भारत सरकार की ओर से बिहार को दिल्ली में आयोजित इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 भवन निर्माण विभाग में इंडो इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल के उत्कृष्ट निर्माण को लेकर विशिष्ट पुरस्कार विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि इस पुरस्कार को पाने के लिए भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कुमार रवि को बधाई दी गई है। उन्होंने बताया कि अंजुमन इस्लामिया हॉल इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने बताया कि इस भवन का निर्माण 50.64 करोड़ रुपए की लागत से 1.25 एकड़ में किया गया है।
भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की बेटी का फिल्म में हुआ डेब्यू। इन दिनों भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की आने वाली फिल्म संघर्ष तो काफी सुर्खियों में बनी हुई है। बता दें कि अब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। मालूम हो कि अब तक इस ट्रेलर को लगभग 5 मिलियन लोगों के द्वारा देखा जा चुका है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ मेगा श्री कृति यादव, सबा खान और माही श्रीवास्तव भी नजर आने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म का जो ट्रेलर जारी किया गया है उसमें खेसारी लाल यादव की एंट्री एक देशभक्ति गीत से हो रही है। इस ट्रेलर में खेसारी लाल यादव मशीन गन का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस फिल्म में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म से खेसारी लाल यादव की बेटी भी अभिनय करती हुई नजर आने वाली है। बिहार के जरदालू का स्वाद चखेंगे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लोग। आप सभी ने तो बिहार के भागलपुर के स्वादिष्ट जरदालू आम का स्वाद चखा ही होगा, लेकिन अब इस आम का स्वाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लोग भी चखेंगे। बता दें कि इसके लिए भागलपुर के आम किसानों को महाराष्ट्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। किसानों का एक जत्था जल्द ही महाराष्ट्र के रत्नागिरी जाएगा, जहां हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यहां के 50 किसानों को प्रशिक्षित करने की योजना है, लेकिन इस बार 8 किसानों का चयन किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान किसान आम की सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, वॉशिंग के अलावा वैल्यू एडिशन का भी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके अलावा इन किसानों को आम से दूसरे उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार का मौसम बना रहेगा शुष्क। बिहार में बारिश को लेकर जो अपडेट साझा किया जा रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि प्रदेश में अभी बारिश जैसे हालात देखने को मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों हीट वेव जैसे हालात थे, लेकिन अब प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। बता दें कि प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार बिहार में आंधी और बारिश होने का अनुमान जताया गया है। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार पटना, गया, बेगूसराय, छपरा समेत दक्षिण पश्चिम और उत्तर बिहार के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव जैसे हालात न के बराबर है। हालांकि मई महीने में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि प्रदेश में 1 से 2 स्थानों में बिजली गिरने और तेज हवा यानी कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। पटना हाईकोर्ट से जज के स्थानांतरण पर केंद्र सरकार ने लगाई मुहर। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के द्वारा अपने खराब स्वास्थ्य एवं पटना में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण अपना स्थानांतरण राजस्थान हाईकोर्ट का निवेदन किया गया था, जिस पर केंद्र सरकार के द्वारा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट किए जाने की अनुशंसा पर मुहर लगा दी गई है। दरअसल जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि अगर उनका स्थानांतरण राजस्थान हाईकोर्ट नहीं किया जा सकता तो उनका स्थानांतरण पंजाब या हरियाणा के हाईकोर्ट में कर दिया जाए, जिस पर केंद्र सरकार के द्वारा मुहर लगा दी गई है। की जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा राजस्थान के ही रहने वाले हैं और 16 नवंबर 2016 को राजस्थान हाईकोर्ट के जज भी बने थे, जिसके बाद 1 जनवरी 2022 को उनका स्थानांतरण पटना हाईकोर्ट कर दिया गया था। बिहार के तिल से ही बनेगा गया का तिलकुट। गया के तिलकुट को बिहार के ही तिल से बनाया जा सके, इसके लिए गया में 500 एकड़ में गर्मा तिल की खेती शुरू कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल बिहार में न के बराबर तिल की खेती हुई थी, जिस वजह से तिलकुट बनाने के लिए कारीगरों को राजस्थान और गुजरात से तिल को मंगवाना पड़ा था। दरअसल प्रोत्साहन नहीं मिलने की वजह से किसानों के द्वारा तिल की खेती करनी छोड़ दी गई थी, लेकिन अब कृषि विभाग के प्रयास से दोबारा तिल की खेती शुरू की जा रही है। इस बारे में कृषि मंत्री कुमार सरबजीत के द्वारा बताया गया कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कृषि योजना के तहत 21 क्विंटल गर्मा तिल का वितरण करवाया गया है, जिससे किसानों के द्वारा 500 एकड़ में खेती की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगले मौसम में तिल की खेती को और भी विस्तार किया जाएगा। राज्य के 2 और कॉलेजों को मिला अलग अलग सत्रों के लिए संबंधन। बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के 2 और कॉलेजों को अलग अलग सत्रों के लिए प्रसंबंधन दे दिया गया है। इसके तहत अब कॉलेजों को कई विषयों में संबंधन मिला है। बता दें कि जिन 2 कॉलेजों को शिक्षा विभाग की ओर से संबंधन दिया गया है उनमें पहला कॉलेज पश्चिम चंपारण जिले के नौतन के पकड़िया स्थित संस्कार भारती स्कूल ऑफ एजुकेशन और पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा स्थित असरफी कुंवर राम रतन राय महाविद्यालय के नाम शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संस्कार भारती स्कूल ऑफ एजुकेशन को स्नातक कला विज्ञान और वाणिज्य संकाय के विभिन्न विषयों में पास एवं प्रतिष्ठा स्तर तक सत्र 2023-26 एवं 2024 से 27 के लिए अस्थायी संबंधन दिया गया है। वहीं असरफी कुंवर राम रतन राय महाविद्यालय को स्नातक कला संकाय के विभिन्न विषयों में पास एवं प्रतिष्ठा स्तर तक सत्र 2023-26 से अस्थायी संबंधन प्रदान किया गया है।
आज बिहार के 9 शहरों में पीएम मोदी शुरू करेंगे एफएम रेडियो। आज यानी कि 28 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 91 जिलों में एफएम रेडियो का उद्घाटन किया जाने वाला है। बता दें कि देश के 91 जिलों में बिहार के भी 9 जिले शामिल है जहाँ एफएम रेडियो का उद्घाटन किया जाएगा। बता दें कि रेडियो एफएम के इस नई क्रांति से देश दुनिया से जुड़ी जानकारी और साथ ही मनोरंजन के नए रूप को उन क्षेत्रों के लोगों तक भी पहुंचाई जा सकेगी जो सुदूर इलाके में रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राज्य के जिन 9 जिलों में एफएम रेडियो की शुरुआत की जाने वाली है उनमें कटिहार, बांका, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, बक्सर, शेखपुरा, सिकंदरा और नवादा शामिल है। मालूम हो कि इसकी शुरुआत होने से लोगों को सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक एफएम की सेवा मिल सकेगी। आज राजद सुप्रीमो लालू यादव आएंगे बिहार। आज यानी कि 28 अप्रैल को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लगभग 9 महीने बाद बिहार की राजधानी पटना आने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिंगापुर से अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद लालू यादव बीते 3 महीने से अपनी बेटी मिशा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर रह रहे थे। मालूम हो कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार आज दोपहर की फ्लाइट से लालू यादव पटना आ जाएंगे। हालांकि खबर यह भी चल रही है कि राजधानी पटना आने के बाद वे अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए कुछ गिने चुने लोगों से ही मुलाकात कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लालू यादव का किडनी प्रत्यारोपण वर्ष 2022 में 5 दिसंबर को सिंगापुर में किया गया था और फिर 11 फरवरी को दिल्ली वापस लौट आए थे। वहीं अब लगभग 9 महीने बाद आज वे बिहार की राजधानी पटना आ रहे हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर लगाया आरोप। बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब लोजपा रामविलास के नेता व जमुई सांसद चिराग पासवान के द्वारा भी इस मामले का विरोध करते हुए नीतीश कुमार पर आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि वो किसी को फंसाने का काम नहीं करते और ना ही किसी को बचाने का काम करते हैं, तो फिर नीतीश कुमार यह तय कर ले कि आनंद मोहन को पहले फंसाया था या अब उन्हें बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आप राजनीतिक लाभ के लिए कानून का तोड़ मोड़ करते हैं तो यह गलत है। इन्हीं के द्वारा बालू और दारू के कानून बनाए गए थे जिसमें आए दिन अधिकारियों के साथ मारपीट होती रहती है। आनंद मोहन के साथ जो अन्य अपराधियों को रिहा किया गया है उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इससे केवल अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। कर्नाटक चुनाव के बाद पटना में विपक्षी पार्टियों का जुटान। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने में जीतोर कोशिश की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में बहुत जल्द ही बिहार के राजधानी पटना में विरोधी पार्टियों के नेताओं का जुटान होने वाला है। बता दें कि यह जुटान कर्नाटक विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद हो सकता है। इसको लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार की पहल को समर्थन मिल रहा है और विपक्षी नेता इसको आगे बढ़ाने के उत्सुक भी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में विपक्षी पार्टियों के नेताओं का जुटान केंद्र में सरकार बदलने की एकजुट कोशिश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी एकता का प्रयास और भी जोर पकड़ेगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। विजय तिलक ने 1916 में भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की। दुनिया भर में 2003 में कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2008 में PSLV-C9 के साथ छोड़कर एक नया इतिहास रचा। 1791 में महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष हरि सिंह नलवा का जन्म हुआ। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध डिजाइनर भानु अथैया का 1929 में जन्म हुआ। 1971 में हिंदी फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक निखिल आडवाणी का जन्म हुआ। मराठा शासक पेशवा बाजीराव प्रथम का 1740 में निधन हुआ। 1740 में बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी मस्तानी का निधन हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रमुख साहित्यकार विनायक कृष्ण गोकाक का 1992 में निधन हुआ। बालखंड में आज हम बात करेंगे वाहन में पेट्रोल भरने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे वाहन में पेट्रोल भरने के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि @IndianOLCIL ने चेतावनी दी है और अपने वाहन में अधिक से अधिक पेट्रोल नहीं भरने को कहा है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है। निर्माता द्वारा निर्दिष्ट सीमा अधिकतम तक वाहनों में ईंधन भरना पूरी तरह से सुरक्षित है। राजस्थान रॉयल्स ने मारी बाजी, 32 रनों से जीत की अपने नाम। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच बीते दिन IPL 2023 का 37वां मैच खेला गया। बता दें कि यह मैच सवाई माधोपुर स्टेडियम जो कि जयपुर में मौजूद है वहां आयोजित हुआ था। संजू सैमसन जो कि राजस्थान के कप्तान हैं उन्होंने टॉस को जीता था। टॉस जीतने के बाद उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
अपने पहले बल्लेबाजी के दौरान राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाए और इसी कड़ी में 202 रन बनाए। वहीं 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा 170 रन बनाए गए। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स से 32 रनों से जीत गई। बताते चले कि इस जीत के बाद राजस्थान की टीम 8 मैचों में 5 जीत और 10 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। व्हाट्सएप पर ऐसे एडिट कर सकेंगे फोटो और वीडियो। व्हाट्सएप एंड्रॉइड बीटा पर कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए एक नया टेक्स्ट एडिटर अनुभव ला रहा है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक बीटा टेस्टर अब टेक्स्ट एडिटर में फोटो, वीडियो और GIF को एडिट कर सकते हैं। WA बीटा इन्फो के अनुसार यूजर्स कीबोर्ड के ऊपर दिखाई देने वाले फॉन्ट विकल्पों में से किसी एक को टैप करके विभिन्न फॉन्ट के बीच आसानी से स्विच करने में भी सक्षम होंगे। टेक्स्ट अलाइनमेंट को बाएं, केंद्र या दाएं में भी बदला जा सकता है, जिससे यूजर्स को छवि, वीडियो और GIF में को करने पर अधिक कंट्रोल मिलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैलिस्टगो, कुरियर, प्राइम, डेमियन 102 और मॉर्निंग ब्रिज सहित बीटा टेस्टर्स के लिए कुछ नए फॉन्ट भी जारी किए गए हैं। नया एडिटर बीटा टेस्टिंग का एक हिस्सा है, जिसका मतलब है कि अभी सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं होगा। भारतीय रेल करा रहा ज्योतिर्लिंग के दर्शन। अगर आपकी भी इच्छा है कि आप भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म के द्वारा 20 मई से ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए भारत गौरव स्पेशल पर्यटक ट्रेन के परिचालन की घोषणा की गई है। बता दें कि यह पर्यटक स्पेशल ट्रेन कोलकाता से खुलेगी और 11 रातों के लिए यात्रियों को तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाएगी। मालूम हो कि इस यात्रा के दौरान यात्रियों को 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे, जिसमें ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम शामिल है। हालांकि इसके अलावा यात्रियों को स्टैचू ऑफ यूनिटी, शिरडी साई बाबा और सनी सिंगनापुर को भी यात्रा करवाई जाएगी। मालूम हो कि अब तक इस ट्रेन के 440 सीट को बुक किया जा चुका है। इसके साथ ही IRCTC की ओर से एक नंबर 8595937724 भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करके किसी भी प्रकार की समस्या को बताया जा सकता है और जानकारी ली जा सकती है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद सकीर हुसैन, मुन्नी कुशवाहा, अनिल मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार, सीता कुमारी, नुनू गोलू कुमार, समर सिंह, विकास दास, RS अमरेश, शंकर मुखिया, पंकज कुमार दास, गोलू कुमार यादव, उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में अब तक सबसे साफ सुथरी छवि वाली नेता कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।